जी सहकारी सभा पिंड संधवा की चोण है, दो पिंड की यह सभा है, संधवा ते जलालियाणा। सहकारी सभा की चोण है जी, सहकारी जी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चोण है। तो आ बस्ती नानकसर संधवा है, ये वैसे हद बस के संधवा ही गिना जाता जी, पंचायत वक्री बनी हुई है, वो वक्री गल है, पर हद बस के संधवा ही है। तो इस करके मैं कह रहा कि दो पिंड की चोण है, संधवा तो जलालियाणा, और 11 मैंबर बनने हैं, लगभग 618 वोटां सीगियां जिहड़े मैंबर हैगे है, 618 दे विचों कुछ वोटां कटियां गई, बाकी इन्होंने नवी लिस्ट तैयार तूर की, सानूं तां दस्सिया नहीं इस गल दा। ये चोण पहलां दो वारी रद्द हो चुकी है, एक वारी तां कोरम ना वजह पूरा होण दी वजह करके, क्योंकि 1/3 चाहिए जिहड़ियां वोटां होण कोरम पूरा होण वास्ते, जिहड़ी दूजी टर्म है उहदे विच कोरम दी कोई लोड़ नहीं हुंदी, दूजी दफ़ा भी कैंसल हो गई। ये अज जिहड़ी चोण रखी गई है, ये चोण का 15 कानूनी तौर दे उत्ते जिहड़ा कोऑपरेटिव एक्ट है उहदे मुताबिक 15 दिनों का नोटिस चाहिए, जिहड़ा सोसाइटी दे अगे लगता है, तो 15 दिन गुरद्वारे दे विच मनियादी करवाउणी हुंदी है कि सिसां जी थां दे उत्ते, ना तां मनियादी कराई गई ना नोटिस लाया गया। कल लगभग मैनूं कोई 12:15 पता लगा इस गल दा कि थोड़ी चोण रखी गई है, तो मैं इत्थे आ गया, मैं वेख्या, मैं लगा नोट्स के नहीं, मैं वेख भी लईए। फिर मैं इंस्पैक्टर जिहड़े साढ़े हैगे रवि कुमार, उन्होंने फोन लाया, मेरे को रिकॉर्डिंग हैगी है सारी जी हैगी है, वह मैंने कहते जी मुनियादी भी कराई है, नोट्स भी लाया। मैं जी मैं तो सोसायटी के अगे खड़ा, मैंने तो नोट्स वेखता नहीं कित भी, वो फिर उन्होंने गल जी नहीं आई, चुप जे करके ठीक है। फिर मैं जी साढ़े मैंबर है, क्योंकि इतने बड़े लंबे समय तो जी सा पार्टी है जी कब्जा रहा, प्रधान बनते रहे बड़े लंबे समय तो, मेरा ख्याल 25-30 साल हो गए होने। तो इस वक्त वोटों की पिछले ये है कि इन्हों के जोड़े मैंबर है वो बड़ी मुश्किल नाल दो बन सकते हैं, दो तो वध नहीं सकते, साढ़े बन गए 9 मैंबर जो इलैक्शन होंगी है। तो अज फिर इन्होंने चोरी चोरी रखाई सी, मैं कल AR नूं फोन किया, मेरा AR ने फोन नहीं चक्या, फिर मैं फोन किया DR नूं, DR ने मेरा फोन नहीं चक्या, फिर मैं AR के दफ्तर चला गया, तो AR दफ्तर दफ्तर है नहीं सी, वो कहते जी DR की मीटिंग ते गई है, पर पता लग गया होना भी रौले रप्पे करके। और अज हुण 9 बजे तो 11 बजे तक का टाइम है, तो अज हुण इन्हों फार्म पहले दे चुके, इन्होंने आपके फार्म भरे हुए सारे ऑफ द रिकॉर्ड दिते है, क्योंकि 9 बजे तो 11 बजे तक है जो फार्म देने होंगे है, तो 11 बजे तक भरने होंगे है, तो फिर चोन प्रोसैस जो चालू होंगे। हूँ 9 बज चुके हैं, हूँ वेखते हैं आप भी की करते की नहीं करते, साढ़े सारे कैंडीडेट जो है असं 9 कैंडीडेट खड़े करने हैं, तो 9 के 9 जो है तैयार। टोटल वोट कितनी? टोटल वोट मैं तुम दसा ना 618 वोटा सी, कुछ मर चुकी वोटा। जिक्र किया इन्हों के बंदे जिद्दे नहीं है जी, इन्होंने पहले देवी वाले भी धक्का किया, खारे भी धक्का किया, कई पिंड धक्के चोणा करा के आए हैं, उन्होंने पिंडा जाके पुछ लो भी की होया की नहीं होया, 5 ग्राई भी इवें हो, चलो साढ़े हल्के तो नहीं पैंता गा। असी पूरा नोटिस ला के जी प्रोसैसर इलैक्शन का कराते, पर मोस्ट प्रोबेबली सर्वसम्मति हो जाती सी। तकरीबन 5 साल बाद होंगे जी इलैक्शन, तो पर यह हूँ 2 साल लेट है, 7 साल हो गए होने, 7 साल हो गए, 2 साल नहीं चोन होगी। जिमें कि आपू सब पता जिहड़ियां सहकारी सभावां किसानी का धुरा, जिहड़े पिंडां दे लोक ने किसान ने जिहड़ियां सहकारी सभावां दे विचों जिहड़ी खाद की आपदी पूर्ति इत्थों करदे ने, जिहड़े संद वलेवे ने वो इत्थों लैंदे ने, ते पिछले समें दे विच वेखण च आया जिहड़ियां सहकारी सभावां दीआं चोणां हुंदियां गईआं वह पिछलियां सरकारां समें, मैं कहिंदा नां नहीं लैणा चाहुंदा, उन्होंने कानून मुताबिक कदे कराईआं ही नहीं, ये 5 साल बाद चोन होनी जरूरी होंगी है। तो ये बारे मैं दसना चाहता कि जी सैटी है पिंड संधवा की, यदि 31/19 म्याद खत्म हो गई थी, 31/19 2019 यदि नवी चोन होनी सी, पर समय समय दरकार जो इतों पहल रही गई उन्होंने चोन करवाई नहीं, तो बहुत सारे पिंड जिते कित चोन करवाई गई उत्थे कला खाना पूर्ति की गई, कोठियों के जोड़े जे कांग्रसी सरकार से कांग्रसी आगुआ के कोठिया चो, जे अकाली दल की सरकार से अकाली दल के आगुआ कोठिया ही बह के चोन होंगी सी, पर जी साड़ी सरकार असी पहली बार पिंड आके एज ए कानून मुताबिक इस सारे पिंड वासी आए हैं, तो वो इतने पहुंचे हुए हैं, तो जी अज चोन है पूरी पारदर्शी तरीके पिंड के लोगों के सामने करवाई जाए। जी विरोधी धर का काम हों जी, उन्हों का स्वागत है, सवाल करना उन्हों का हक है, वो फिर विरोधी धर कहती हुई जी उन्हें कोई सवाल ही ना किया।
सब कुछ वो सब कुछ जो रिटर्निंग अफसर ने सब कुछ उपलब्ध कराने उन्होंने ये जी ये उन्होंने ये पूछा जाए जी जो उन्होंने कोठियां बह के होंगी सी उदो नोटिस कितने लगते थे ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੈਂਸਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31/10/19 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ 19/11/19 ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 31/10/19 ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ